कि इतना जो हम डिस्कस कर रहे थे और जो सुनने में मुश्किल लग रहा था यू hmm. नो सुनने में लग रहा था इम्पॉसिबल कैसे करेंगे लेकिन जब करने गए तो इवन अगर हम कहें कि मुश्किल था पर कितना मुश्किल था इसको क्या मुश्किल हम कहेंगे मेरे लिए तो एक आदमी के लिए तो था ही मुश्किल क्या था मुश्किल सिर्फ अपने थॉट्स के साथ खेलना था ना जीवन में तो कितने मुश्किल काम करते हैं कितने मुश्किल हम काम करते हैं ये तो बहुत ईजी काम होता है अपनी थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट लाएंगी अपोजिट एडवाइस देगी कि नहीं मत करो उसके साथ ही तो खेलना है बैठे बैठे साइलेंस में अपनी थॉट्स के साथ खेलना है ये कितना मुश्किल हो सकता है कितने मुश्किल काम आपने किए जैसे आप कहते एक्टर बनना कहा से आए बिना किसी पैसे के आए स्ट्रगल किया इसको मुश्किल बोल कितने सकते हैं लेकिन इंसल्ट कितने बार हुआ लेकिन उनको फिर भी मुश्किल तो बोल सकते हैं ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल बहुत ज्यादा मुश्किल था कि पूरे जीवन में स्क्रैच से स्टार्ट करना इतना काम ढूंढ ढूंढ के अपने आप को एस्टेब्लिश करना हर रोज एक मुश्किल थी ये क्या मुश्किल हो सकता है ये मुश्किल इसलिए था सिस्टर क्योंकि ढाई तीन सौ फिल्में करने के बाद दुनिया के अवार्ड्स लेने के बाद बड़े बड़े मतलब गाड़ियों में घूमने के बाद एक आदमी कोई इस वक्त ऐसे बोले आई डोंट नो यू मैंने आ, तो, तो तो, वो मैं, क्या नमस्ते हुँँ का, हुँँ? का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हर्ट क्या हुआ ये कोई को, को, उसका मीनिंग ही नहीं बनता ना हर्ट कौन हुआ हर्ट नहीं हुआ मैं मेहनत की इस वक्त नहीं नहीं जो पहले डिस्टर्ब होते हैं ना तो हर्ट कौन में होता था ना मैं वो मैं कौन वो मैं कहा है मैंने वो देखा मैं आत्मा हर्ट नहीं वो मैं आत्मा ने जो अक्वायर किया है जो आपने कहा मैंने इतना किया और उसके बावजूद उसने कहा मैं आपको नहीं जानता हर्ट एक मैंने अपनी एक जो पिक्चर बनाई अपने बारे में जीवन में किया है उसके द्वारा जो मैंने अपनी इमेज बनाई तो मैंने ये भी इमेज बनाई की लोगो को मेरे साथ ऐसे बात करनी है वो इमेज right. बनाई अब जब लोग उस तरह से नहीं करेंगे तो मैं हर्ट होगा। विच मीन्स हमने जो इमेज बनाई कि जो मैंने अक्वायर किया उसके लिए लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए hmm. लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए चाहे फैमिली ही मुझे प्यार करना चाहिए जो मैंने किया उसके लिए तो हम कौन से मोड में चले गए Boy, के। गिव मी लिव मी रिस्पेक्ट दिस इज इट हम उस मोड में चले गए अब आपने उस क्षण क्या किया भले थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए क्योंकि इस मोड में थे कि वो मुझे पहचाने मैंने विश किया वो मुझे विश करे हम इस मोड में थे फिर हमने तुरंत उस टाइम क्या किया साइलेंस में बैठे अपनी थॉट्स को चेंज किया और आपने उस समय क्या किया ऐसे मोड को से ज्ञान को यूज करके लेकिन किया क्या इस मोड से शिफ्ट होकर टेकिंग मोड से शिफ्ट हो गिविंग गिविंग मोड में चले गए कि मुझे इनसे रिस्पेक्ट चाहिए नहीं मैं उनको अच्छा प्यार और रिस्पेक्ट की वाइब्रेशन भेजू प्यार से बात करूँ जैसे ही टेकिंग मोड से शिफ्ट होके गिविंग मोड में गए सबसे पहले अच्छा किसको लगा सबसे पहले अच्छा हमें लगा अच्छा नहीं लगा मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ मैंने जीत लिया आज विनिंग पावर किस पर जीत पाई अपने ये है मन जीते जगत जीत ये है ना मन जीता मन जीता मतलब मन ने कहा था कुछ मन, और मन के ऊपर मैंने जीत पाई जीत ना, पाई अपने ना अपने अहंकार पाई। पे जीत पाई ना और जब वो जीत पाई तो जगत पर भी जीत पाई जगत पर जीत पाई और अगर उस क्षण अपने मन से हार जाते मन से हार भी तो सकते थे कि ठीक है नई बात करनी नहीं करना ये मन से हार थी जब मन से हार थी तो जगत में भी हार थी अब मोस्ट इम्पोर्टेंट वेन यू शिफ्टेड फ्रॉम टेकिंग मोड टू गिविंग मोड अंदर अच्छा लगा रिजल्ट क्या मिली उन्होंने कॉपी किया आपको किया ना उन्होंने कॉपी किया कि आपने प्यार से बात की तो सामने वाले ने भी फाइनली प्यार से बात की क्योंकि आपने गिव कर दिया उनको वाइब्रेशंस दी वो वाइब्रेशंस वर्क करती है सामने वाले पर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम दो लोग जो ऐसे जा रहे थे हम ऐसे हो गए और वैसे भी देखा जाए तो पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे किस थॉट से आ रहे थे पता नहीं क्या उनको मेरे बारे में मेरा बारे में क्या उनके दिमाग में किसी ने इमेज डाला हो, हो सकता और मेरी फिल्में देख देख के उन्होंने एक पर्टिकुलर इमेज बना लिया हो कुछ भी हो सकता है वो तो ना। फिर लेटर हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी हाँ। ये है अंडरस्टैंडिंग एंड कम्पेशन कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो लगता आज है। बात करते हाँ हमें हाँ, लगता है बाद में कि हाँ, हो सकता है सामने वाला किस स्थिति में आया है डिस्टर्ब है या मेरे बारे में कुछ और सुना हुआ लेकिन उस समय का रिएक्शन इम्पोर्टेंट तो वो क्षण है ना वो क्षण बीत गया उसके बाद तो कितना भी सोचे तो वो उससे क्या होगा फिर ये सब रिफ्लेक्ट करेंगे तो तो और कंपैशन आएगा कि हाँ हो सकता है ना उनके पास भी कुछ रीजन था जिसके लिए उन्होंने वो किया लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इट वर्क्स अभी अनुभव हो गया राइट right? अब पहली बार जब ये अनुभव हुआ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि डिस्टर्ब होगा फिर करेंगे दूसरी बार फिर करने की कोशिश करेंगे फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ईगो आएगी फिर बीच में उसको रोकेंगे थॉट को चेंज करेंगे लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा यही चीज मैं देखना चाहूंगा कभी कोई गरीब आदमी के साथ भी कर सकूंगी ये अब हम किसी के साथ भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि एक वो पर्सनालिटी थी एक माहौल था सारे लोग बैठे हुए थे और आदमी लड़ भी नहीं सकता है, झगड़ा भी नहीं कर सकता वो सारी कंडीशन थी लेकिन मेरे दिमाग में बात तो थी कि करना ही है कैसे भी। ये होमवर्क दिया था। अटेंशन था ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऊपर ऊपर से नहीं किया जो आप कह रहे हैं ना माहौल था कि अच्छे से बिहेव करना चाहिए तो हम ऊपर ऊपर से भी कर सकते थे नहीं ये दिल से किया। कि अंदर से उनके लिए बुरा सोच के ऊपर से ठीक है प्यार से बात करना दिल से किया और फिर माफ भी हाँ, तो ये कैसे किया अंदर से वाइब्रेशन को चेंज किया थॉट को चेंज किया तो फिर उनको भेजा फिर बात की तो ये है इनसाइड आउट ये नहीं कि आउटसाइड सिर्फ चेंज कर दिया इनसाइड कुछ और सोच रहे थे पहले मैंने दो बार करेंगे दस बार करेंगे धीरे धीरे ये बन जाएगा हमारा संस्कार, संस्कार संस्कार कैसे बनता है उसके बाद एक बार वो बन गया संस्कार फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा करू या नहीं करू ऑटो जो संस्कार एक बार बन गया तो वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है इसलिए तो हमें पता ही नहीं चलता ना ये कैसे हो गया hmm. ये कब हो गया संस्कार रोना आ गया हर्ट हो गए गुस्सा आ गया वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है वैसे ये गिविंग ये ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा आज में से मेजोरिटी क्यों अपने आप को खाली अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम गिविंग मोड की बजाय टेकिंग मोड में गए क्यों बचपन से हमने एक बिलीफ सिस्टम सुना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो स्ट्रांग है जिसके पास सब कुछ है जो सब अचीव कर लेगा वो ही सवाइव करेगा तो जीवन का लक्ष्य क्या बन गया इस दुनिया में सर्वाइव करना है सर्वाइव करने के लिए क्या करना है और और, और, और अक्यूमुलेट करना है देना है ये तो हमें नहीं किसी ने सिखाया सबने सिखाया लेना है लेना है स्थूल चीजें भी लेनी है फीलिंग्स भी respect, emotions, love, भी रिस्पेक्ट इमोशंस लव ये लेनी है लेना लेना हमारी नेचर नहीं है स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि सर्वाइव नहीं करना है इस दुनिया में hmm. हमें इस दुनिया में सर्व करना है नाइस uh, वन nice जैसे प्रकृति सर्व कर रही है ना हमें सेवा कर रही है दे रही है आती है पेड़ खिलते हैं गिरते हैं फिर खिलते हैं इट्स अ नेचुरल प्रोसेस हमें सर्वाइव नहीं करना है कि सर्वाइव तो ऐसे जैसे संघर्ष करना है अक्यूमुलेट करना है और किसी तरह इस दुनिया में हमें जीना है नहीं वो कहते हैं भाई हो को क्रो भाई हो को क्रो एंड ऐसी बात सुन ही ना सर्वाइव तो तो करना था और उसी सर्वाइवल पे हमने अपनी सफलता और संतुष्टता का आधार बना दिया कि जितना अक्यूमुलेट करेंगे उतना हम सक्सेसफुल हैं जितना अचीव करेंगे उतना हम सक्सेसफुल हैं और जितने हम सक्सेसफुल होंगे उतने ही हम सेटिस्फाइड होंगे लाइफ बट ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है शायद आपको ये नहीं मालूम है कई शिष्यों को देखा है अरे मेरे गुरु के पास तो इतने चले हैं तेरे गुरु के पास कितने चले हैं देखिए शुरू में एक जमाना था हम नेबर्स दो एक्टर रहते थे सेक्रेटरी मेरे आपस में लड़ते थे मेरे बॉस के पास मालूम है कितने फैन में लाती है चिट्ठियां देख पोस्ट पैन लाएगा तो पढ़ नहीं सकते इतना लोग प्यार अरे मेरा ये मतलब हर चीज में आज तो ये हाल है कितनी गाड़िया है कितने एकड़ जमीन है कितनी आपके पास शिष्य हैं

तो आ गया बहुत कुछ हाउ कैन यू प्रूव इट कि हमारा ओरिजिनल नेचर है देना आप कभी भी किसी कुछ के कुछ करके देखो कैसा लगता है नहीं वो तो बहुत अच्छा लगता तो है नहीं तो वो तो बहुत अच्छा क्यों लगता है नहीं बट मैं मैं आपसे ये पूछ रहा था जैसे पैदा हुए तब से ले रहे हैं ओरिजिनल नेचर आत्मा की आए हैं कई लोग कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज देना क्या देना जो हमारे पास है वो देना देनाजनैलिटी uh, तो वो देना है ना वेन यू गो बैक टू ओरिजिनलिटी वो देना है तो हम हमारा देवी हाँ. देवता हम कहते हैं ना हम देवी देवताओं के कुल okay. के हैं देने वाला देने वाला हाथ हमेशा कैसा है उनका हाथ ऐसे नहीं है ना हमारे हाथ आज ऐसे हो गए हैं उनके हाथ हमेशा कैसे ऐसे ऐसे, ऐसे. या तो आशीर्वाद दे रहे हैं या कुछ कुछ देते जा मतलब या तो स्थूल दे रहे हैं हाँ। लक्ष्मी धन दे रही है तो या तो स्थूल दे रहे हैं या सूक्ष्म दे रहे हैं आशीर्वाद गुड विशेस ब्लेसिंग्स इसीलिए देवी देवता हमेशा देने वाले जितना देंगे इसलिए सूरज को सूर्य देवता कहते हैं जो देने वाला दे, देता ही रहता है जो देने वाला है उसको देवी देवता कहेंगे देवी देवता कहेंगे इंसान का नेचर कहीं मुझे देखो, नहीं लगता क्या देने? होता है कहीं चलते एक चीज में खुशी हो गई देखे और लोगों को मतलब करके उसके पीछे भी लोग बोलते पुण्य मिलेगा हम जन्नत मिलेगा हम स्वर्ग जाएंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ जब हमने सोचा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसी में सक्सेस है उसी में संतुष्टता है तो हम लेते गए हमने बहुत कुछ अक्यूमुलेट किया लेकिन आज भी वो पावर नहीं है आत्मा में वो शक्ति नहीं है अब एक अलग बिलीफ सिस्टम ट्राई करते हैं हमें नहीं मालूम आपने कहा ना प्रूफ नहीं है हमारे पास तो हमें नहीं मालूम है कि कौन सा वाला बिलीफ सिस्टम हमारे लिए राइट वर्क करेगा स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है और वो फिर हम करके एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करते हैं कि आत्मा को ओरिजिनल नेचर है देना और जितना जो देगा ये भी एक लॉ है ये पकड़ के कोई भी चेक कर ले इसको जितना जो देगा उतना वो मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता जाएगा जितना जिसके अंदर देने का संस्कार होगा ये लेकिन करके देखना पड़ेगा आप देने से क्या मतलब करें? पैसा भी है इंक्लूड़े? कुछ हर चीज इंक्लूड कर लो आप स्थूल भी सूक्ष्म भी बहुत सारे वो हम देखेंगे हम क्या क्या दे सकते हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जब हम इस मोड में होंगे कि मुझे सर्वाइव करना है मुझे चाहिए तो हमारे नेचुरल संस्कार क्या बनते गए जैसे आपने कहा कम्पीट करना ये एक संस्कार बना कंपटीशन आया दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश की दूसरों को कई बार नीचा भी गिराने की कोशिश की तो अंदर आत्मा में कौन सा सूक्ष्म संस्कार क्रिएट हुआ फियर का हमेशा जिसके अंदर फियर एंड हेट्रेड ऑल्सो सेल्फिशनेस हर चीज yeah. अपने लिए अपने लिए अब जितना फियर और स्वार्थ डर और स्वार्थ जितना आत्मा का संस्कार बनता जाएगा तो हम फिट होते जाएंगे या वीक होते जाएंगे होते जाएंगे क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी कहा था ना हम इतने छोटे में अटक जा रहे हैं आ, तो तो छोटे से वीक होते जाएंगे ना? अनलिमिटेड हम वीक होते जाएंगे ना जितना हमारे अंदर डर और स्वार्थ का संस्कार आता जाएगा हुँ. मुझे ये मिले मुझे ये मिले जब ये थॉट होती है मुझे ये मिले तो एक थॉट ये भी होती है नहीं मिली तो और खो गई तो खो गई तो वो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरों को मिल गई तो ये जब संस्कार मेरी चीज छीन ली तो तो फियर स्वार्थ सब कुछ मुझे चाहिए तो जितना डर और स्वार्थ का संस्कार आया तो ये हम फिट या स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं या वीक होते जा रहे हैं वीक तो वी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन फिट होना था आत्मा ने सर्वाइव करना है अगर आत्मा को स्ट्रांग होना है लेकिन ये संस्कार करके तो आत्मा वीक होती जा रही है तो अब अगर हम ये सर्वाइव के मोड से शिफ्ट होकर सर्व के, के मोड पर आते हैं तो देखते हैं हमारा संस्कार क्या बनेगा अगर आपका संस्कार हुआ कि मुझे सिर्फ देना है तो आप किसी के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं होंगे यू विल बी ऑन योर ओन जर्नी अचीव करना है लेकिन किसी के साथ रीस और रेस नहीं करनी अपनी कैपेसिटी से चलना है तब आपके संस्कार बनेंगे शेयरिंग दूसरों के साथ केयरिंग दूसरों को गिविंग जब ये संस्कार बनेंगे तो डर डर तो चला गया स्वार्थ भी नहीं रहा क्योंकि आप देते जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं है देते जा रहे हैं तो आत्मा की पावर कम होगी या बढ़ती जाएगी आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी लेकिन बैंक का पावर बैंक बैलेंस गिविंग इज नॉट ओनली मनी गिविंग तो बहुत सारे लेवल पर आता है लेकिन सिर्फ ये चेक करें जब फियर का संस्कार है कंपटीशन का संस्कार है तब हमारी पावर कितनी होगी और जब शेयरिंग और केयरिंग कोऑपरेशन का संस्कार है तब हमारी पावर क्या होगी शेयरिंग केयरिंग एंड कोऑपरेशन से बिजनेस अच्छा हो सकता है वो दैट ऑल्सो विल सी फर्स्ट लेट सी विच वन विल मेक मी स्ट्रॉगर दिस वन शेयरिंग श्योर कॉम्पिटिशन विल मेक मी वीक वीकर हर टाइम ऐसे डर में रहना ठीक टेंशन में रहना एंजाइटी में रहना और देना सहयोग देना सबको आगे बढ़ाना और को भी जो आता है वो सबके साथ शेयर करना ये आत्मा को क्या करेगा स्ट्रांग बनाएगा अब कैसे कैसे करना है वो हम देखेंगे लेकिन एक आज पक्का करते हैं अभी आत्मा का मूल संस्कार है टू सर्व नॉट टू सर्वाइव ब्यूटिफुल जब हम सर्वाइव करने के मोड में सेट हो गए थे हम स्टैग्नेंट हो गए थे पानी अगर बहे नहीं रुक जाए तो क्या हो जाएगा बास आएगी स्टेग्नेट हो जाएगा ना यस। उसका बहना उसका फ्लो करना फ्लो करते करते वो जिसको भी क्रॉस करता है उसको वो नर्चर करके जाता है पानी हर एक जगह जहां से फ्लो करेगा वो नरिश करते हुए जाएगा ना hmm. तो वो क्या क्या म्यूरकल्स क्रिएट करता है और वो ही पानी वो ही पानी है अगर एक जगह जा, रुक जाए hmm. फ्लो करना बंद कर दे पानी तो वही है स्टेग्नेट कर देगा हम आत्मा भी अगर फ्लो करते जाए जिसको मिले जहां से क्रॉस करें सिर्फ नर्चर करते जाए तो हमारी अपनी जर्नी कैसे हो जाएगी इट्स लाइक दैट रिवर फ्लोइंग ब्यूटिफुली और अगर हम रुक जाए सिर्फ अपने लिए पकड़ें अपने लिए अक्यूमुलेट करें और और ही दूसरों से ही मांगते जाएं, तो फिर हम वो ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएंगे जो आपने कहा क्या देंगे एक जैसे आपने कहा धन देना मतलब चैरिटी चैरिटी करना विच इज द मोस्ट बेसिक वे ऑफ गिविंग कि अगर हमारे में थॉट आती है ना कि देना तो हमारा नेक्स्ट थॉट आती है दान देना hmm. दान करना तो दान करने में हम क्या सोचेंगे धन देना कपड़े देना या जो भी रक्त दान करना वेल्थ एनी थिंग विच आई विल डोनेट अब ये देना है लेकिन इस देने के पीछे की भी इंटेंशन चेक करनी पड़ेगी फिर hmm. इस देने में भी कहीं हम कुछ ले तो नहीं रहे hmm. मैंने इतना दिया और पेपर में, में मेरा नाम आपने लास्ट में डाला सबसे ज्यादा मैंने पैसे डाले थे और लिस्ट में नंबर टेन डाला मेरा तो वन होना चाहिए था देने के पीछे की इंटेंशन लेने की अगर हो गई कि मैंने अगर इतना दिया इवन ये जो आपने थॉट बोला ना कि अगर मैंने इतना किया तो मेरा पुण्य जमा होगा हम्म तो फिर मैंने दिया भी क्यों पुण्य के खाते में तो ये लेना एनर्जी की फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो सकती है तो ऐसे या तो ऐसे दुआएं मिलेंगी अजीब अजीब लोग बातें करते हैं मतलब विच इज ओके दैट इज ऑल्सो वन लेवल ऑफ देना लेकिन दैट्स नॉट द हाइएस्ट लेवल ऑफ देना क्योंकि उस देने में भी सूक्ष्म में कुछ चाहिए कुछ चाहिए या तो अप्रिसिएशन चाहिए रिकग्निशन चाहिए या क्योंकि मैंने सीखा है कि उसमें मेरा कोई पुण्य जमा होगा वो भी चाहिए तो वो एक लेवल ऑफ देना है कि दे रहे हैं लेकिन देने में कोई लेने की चाहना ऑलरेडी समाई हुई है एक दूसरा लेवल ऑफ देना है कि आपको कोई दिखा कि किसी को किसी चीज की जरूरत है और आपने सोचा इनको ये चाहिए मैं दे देता हूं और इनको देना ये मेरे लिए अच्छा ही होगा तो वो एक हायर लेवल ऑफ देना है कि कोई दिखा आपने दिया एंड यू अंडरस्टूड कि इसमें मेरा मेरे लिए अच्छा ही है देना ये दान करना वो एक इनलाइटन लेवल ऑफ देना है इससे भी एक हायर लेवल ऑफ देना कि आप देते जा रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग विदाउट इवन क्रिएटिंग अ थॉट कि इसमें मेरे लिए भी कुछ समाया हुआ है वो है निस्वार्थ दान देना निस्वार्थ जैसे निस्वार्थ पालना एक माँ अपने बच्चे की करती है उसके लिए उस टाइम लेकिन सिर्फ छोटे एज में करते है बड़े तो बाद में फिर तो 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 लेना मेरे ले। लेकिन मेरे बुढ़ापे बुढ़ापे का सहारा है की लाठी छोटा जब है बच्चे के लिए देते 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 जाते 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 थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो एक्सपेक्टेशन होती है अभी ये मेरा कहना मानेगा अब ये मेरे कहे अनुसार चलेगा छोटे बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये कोई कहना भी मानेगा ये कुछ करेगा नहीं ये कुछ भी करे मुझे इसको सिर्फ देना 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 तो द फर्स्ट लेवल ऑफ गिविंग जो आज हम ट्राई करें आज से कि जो हमारे पास है उसको शेयर करें सबके साथ जो आपने कहा ना चैरिटी भी बहुत बड़ा इसमें हमारी ग्रोथ है दे इसे पकड़ के नहीं रखे चीजों को जितना देंगे प्रकृति का नियम है स्पिरिचुअल लॉ है multiply जितना देंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा लेकिन देते समय देते समय अपनी इंटेंशन की चेकिंग कर लें कि देने में भी कोई लेना नहीं समाया हुआ है आपने कहीं दान किया फिर वहां फंक्शन में गए तो आपने एक्सपेक्ट किया मुझे यहाँ बिठाएंगे फिर मेरा नाम लेंगे फिर लोग मेरी महिमा करेंगे तो फिर दिया क्या दिया तो धन और एक्सपेक्ट किया कितना कुछ तो दिया नहीं फिर 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 लिया ही सिर्फ देना और उधर फुल स्टॉप कर देना ये देने में आत्मा की बहुत ग्रोथ समाई हुई है अभी यहाँ भी हमें फुल स्टॉप करना पड़ेगा सिस्टर लेकिन फुल स्टॉप नहीं कॉमा करते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये करना पड़ेगा डेफिनेटली